गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षा के निर्वाचन 2020 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में प्रारंभ होगी। मंगलवार की शाम मंडल जय नालिकर ने अपर आयुक्त प्रशासन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। ये जानकारी देते हुए मंडल जय नालिकर ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन ने सूचित किया है कि समस्त प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता गणना अभिकर्ताओं के साथ के लिए मोबाइल फोन कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस माचिस सिगरेट इत्यादि प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार समस्त मतगणना पर्यवेक्षकों मतगणना सहायकों को सूचित किया गया है कि वे मतगणना स्थल पर अपने साथ मोबाइल फोन कैमरा वीडियो कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस माचिस सिगरेट इत्यादि नहीं लाएंगे। आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 हेल्थ डेस्क भी बनाया गया है। मतगणना स्थल पर अपने वाले समस्त अधिकारी मतगणना कर्मी एवं प्रत्याशियों व उनके एजेंटों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन करने के पश्चात ही उन्हें मतगणना स्थल के अंदर एंट्री दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिसकी निगरानी में मतगणना को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, DIG राजेश डी मोदक, SSP जोगेंद्र कुमार, SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, ADM राकेश कुमार श्रीवास्तव, CEO कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मंडल जैन नालिकर ने कहा अंदर जो जाएगा वो तो वही जाएगा बैलेट बॉक्स और वो बेल पेपर अकाउंट और पेपर सील बक्सी के साथ अंदर सील हो जाएगा। वो इसके अलावा सारा मटेरियल टेबल पर रिसीव होगा। वो हम लोग पर्ची लाए मैंने येलो तीनों ऑफिस के लिए मार्केट से ले ली, रेड भी ली नहीं सर, येलो कलर की ले ली। वो हम लोग की ट्रेनिंग है संभाग वही हम लोग जाती है जी सर, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ नहीं आपको मटेरियल देखिए लोग आएंगे पहला 5:30 आए कंपनी है क्या कमरे से हर कमरे को यहाँ तो आपके काउंटी गैजेट दिखेंगे। हाँ जो है ये आज टेबल
कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट एक कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट का थोड़ा सा हम लोग की जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें 60% हो गया था और मेरा आशा है कि पोल काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाएगा क्योंकि 198 हमारे पोलिंग स्टेशन्स हैं और वो 17 जनपदों में फैले हुए हैं और बिकॉज़ ये 17 जनपदों में फैले हुए हैं इसलिए रिपोर्ट कंपाइल करके आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लास्ट रिपोर्ट मेरे पास 60% की है और 40,000 से अधिक मतदाता हैं चुनाव में। सो इसलिए आशा करते हैं कि सभी ने निष्पक्ष तरीके से फ्री और फेयर पोल किया होगा और हम लोग की तैयारी यहाँ पर मटेरियल रिसीव करने की है। 17 जनपदों से पार्टियाँ यहीं पर आके रखेंगी, यहीं पर आपका स्ट्रांग रूम है, सारे सुरक्षा व्यवस्था की हम लोग ने देख लिया है। ऑब्जर्वर साहब भी जो माननीय निर्वाचन आयोग से आए हुए हैं उन्होंने भी देख लिए हैं। 3 को हम यहाँ पर मतगणना करेंगे और जो भी नीति निर्देशना माननीय निर्वाचन आयोग के हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सर के हैं उत्तर प्रदेश के, हम उसका सभी का अनुपालन करते हुए आशा करते हैं कि बहुत अच्छा निर्वाचन एक करवा पाए। ऐसी कोई शिकायत बहुत नहीं आई है, कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स कुछ पोलिंग स्टेशन से आई थी और जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत करके ठीक किया गया। सो मतगणना स्थल बेसिकली हम लोग का प्रयास ये है कि जो भी पोलिंग है उसमें कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ नियमों का अच्छा सा अनुपालन करते हुए वीडियो कैमरा और CCTV के सामने हम इस काउंटिंग को कराएं और हम प्रयास करेंगे कि काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से नियमानुसार हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।